नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडुटेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार ट्रेड आईपीओ के बारे में। जी हां दोस्तों, कल से जो है कल मार्केट में जो है कार ट्रेड का आईपीओ ओपन होने वाला है। क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और यदि आपको यह आईपीओ कार ट्रेड का आईपीओ यदि आपको मिल जाता है, तो जो आपका पैसा है वो निश्चित तौर पे जो है डबल होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो लगातार जो है इस कार ट्रेड के आईपीओ में जो है बढ़त देखने को मिल रही है ग्रे मार्केट प्रीमियम में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार ट्रेड आईपीओ का बिजनेस मॉडल क्या है और इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। आपको पता होगा कि कार ट्रेड आईपीओ जो है एक कार एडवर्टाइजिंग कंपनी है। जैसे आपने सुना होगा, कार वाले का नाम सुना होगा, बाइक वाले का नाम सुना होगा, यानी कि जो थर्ड पार्टी होती है जो अलग अलग कंपनियों के कार को जो है, जो पुराने कार्स होते हैं उनको जो है खरीदती है और उनको बेचती है। जैसे कि कार वाले हो गया, कार ट्रेड एक्सचेंज हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है बाइक वाले हो गया, ठीक है, उसके बाद एड्रॉइड ऑटो और श्रीराम ऑटो माल, यानी कि जो ये कंपनी है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। और इसका मेन काम यही होता है कि जो कार होते हैं उनको जो है एक्सचेंज करना, यानी कि कार ट्रेड एक्सचेंज, यानी कि नई कार को खरीदना बेचना या पुरानी खड़ी कार को जो है बेचना और खरीदना, इसका काम है। तो कार ट्रेड एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और आप देखें तो लीडिंग प्लेटफॉर्म है ऑटोमोबाइल सेल्स के सेक्टर में। और ये नए जो है कार वाले, कार ट्रेड, श्रीराम ऑटोमोबाइल, बाइक वाले, कार ट्रेड एक्सचेंज, ऑटो बीज, इसका जो है मेन बिजनेस मॉडल है। यानी एक कंपनी का मेन काम है कार को सेल करना और बाई करना। तो यहाँ पर जो है कस्टमर को एक नई फीलिंग देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है कार ट्रेड के द्वारा। और इसके जो ब्रांड हैं वो भी काफ़ी बढ़िया ब्रांड हैं और इंडिया में आप लोगों ने सुना भी होगा प्रचार करते हुए, टीवी पे ऐड भी आता है कि कार वाले कार देखो, ठीक है। तो ये जितने भी सारे ब्रांड हैं ये कार ट्रेड के अंतर्गत जो है किए जाते हैं। इसके अलावा इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करें तो साल दर साल जो है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके सेल्स को देखें और सेल्स के साथ साथ इसके प्रॉफिट को देखें तो सेल्स के साथ साथ इस कंपनी का प्रॉफिट भी जो है हर साल डबल से भी ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस साल जो है थोड़ा सा इसका रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट जो है अभी भी दमदार हुआ है। यानी कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों जो है एक साथ ग्रोथ कर रहे हैं। तो यदि आप इस आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो है एक अच्छा खासा जो है लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। अब बात करेंगे कि जो एक कार ट्रेड का आईपीओ है ये मार्केट में क्यों आ रहा है, क्यों कार ट्रेड आईपीओ जो है मार्केट में आ रही है, इसका मेन मकसद क्या है। तो इसका मेन मकसद यही है टू कैरी आउट एन ऑफर फॉर सेल, यानी ओएफएस ला रहा है, और टू अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। यानी इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो है नेट प्रोसेस करना, यानी जो नए कस्टमर्स हैं उनको बढ़ाना और सेल्स में ग्रोथ करना और कस्टमर्स को एक नई फीलिंग देना, यानी और ज़्यादा मोर कस्टमर जो है ऐड करने की प्लानिंग जो है यहाँ पर चल रही है कार ट्रेड आईपीओ की। तो इसीलिए जो है ये अपना आईपीओ ला रहा है। अब जानेंगे कि इसका फेस वैल्यू क्या है कार ट्रेड आईपीओ का और कितने लॉट साइज का जो है ये आईपीओ है। तो जो कार ट्रेड आईपीओ है दोस्तों, इसका फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है और जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 1585 रुपये से लेकर 1618 रुपये पर इक्विटी शेयर। और जो मार्केट लॉट है दोस्तों वो 9 शेयर का है, यानी आप मिनिमम जो है 9 शेयर की क्वांटिटी में जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो इसका लॉट साइज होगा वो 9 शेयरों का होगा और मिनिमम बिडिंग प्राइस 1585 रुपये होगी और कट ऑफ यानी मैक्सिमम प्राइस इसकी 1618 रुपये पर इक्विटी शेयर होगी। ये आईपीओ कल से ओपन होगा, यानी 9 अगस्त 2021 से जो है कार ट्रेड का आईपीओ ओपन होगा। 11 अगस्त 2021 को इसका आईपीओ क्लोज हो जाएगा और जो अलाटमेंट डेट है वो 17 अगस्त को है। अगर अलाटमेंट आपको नहीं होता है तो 18 अगस्त को जो है ये इसका जो आईपीओ का पैसा है वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा और 20 अगस्त को जो है आपकी डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 23 अगस्त को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इस शेयर की लिस्टिंग हो जाएगी। यानी इस आईपीओ की लिस्टिंग जो है 23 अगस्त को होगी। तो
इस बीच में भी 4 IPO आए थे, आपको पता भी है, जैसे कि देवयानी इंटरनेशनल, XRO टायर्स, ठीक है। तो इसके बाद कल से भी लगातार 4 IPO आने वाले हैं, और जो एक कार ट्रेड IPO का जो लॉट साइज है मिनिमम 1 लाख का जो है 9 शेयरों का होगा, और 14,562 रुपये जो है अमाउंट होगी यदि आप जो है कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करते हैं, और मैक्सिमम जो है आप 13 लॉट ले सकते हैं जिसमें 117 शेयर्स आएंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी, जो अमाउंट होगा, वो होगा 189,306 रुपये। तो ये तो था दोस्तों बेसिक फंडा। अब मेन मुद्दा ये है कि क्या कार ट्रेड IPO में यदि हम पैसा लगाते हैं, IPO के लिए अप्लाई करते हैं और IPO नहीं मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कंपनी जब अच्छी रहती है तो आगे चल के उसमें ग्रोथ की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को एक कार ट्रेड का IPO अलाट होगा उनका पैसा तो डबल होगा ही होगा, लेकिन यदि आप परेशान हैं और ये सोचते हैं कि यार मुझे IPO नहीं मिलता है और मैं क्या करूं, तो आप IPO में पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, नहीं मिलता है तो आपका पैसा जो है इजीली रिफंड हो जाता है। और यदि आपका पैसा रिफंड हो जाता है तो जिस दिन IPO ओपन हो उस दिन चाहे तो आप इसके शेयर्स को जो है एक अच्छे प्राइस रेंज पर खरीद सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर जो है मैंने अप्लाई किया था रोलेक्स रिंग में, ग्लेनमार्क साइंस IPO में अप्लाई किया था, उसका पैसा मुझे अभी तक रिफंड नहीं हुआ। तो आप लोगों के लिए मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ, यदि आप कार ट्रेड का IPO अप्लाई करते हैं और कोई इश्यू होता है IPO से संबंधित, तो जो इसकी रजिस्ट्रार की वेबसाइट है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो नीचे इसका वेबसाइट है www.linkintime.co.in, और जो नंबर है दोस्तों +91224918-6270, इस नंबर पे जो है आप कॉल करके जो है इनके कस्टमर केयर से जो है आप बातचीत कर सकते हैं और शिकायत, अपनी जो कंप्लेन है वो दर्ज करा सकते हैं। यदि अभी तक आप लोगों का पैसा अप्लाई नहीं हुआ है तो आप, यदि आप लोगों का पैसा रिफंड नहीं हुआ है रोलेक्स रिंग में और ग्लेनमार्क साइंस के IPO में, तो उसकी जो रजिस्ट्रार वेबसाइट होती है वहाँ पर जाकर जब आप कंप्लेन करेंगे तो आपका पैसा जो है इजीली जो है वहाँ से रिवोक हो जाएगा। तो कार ट्रेड का जो IPO की जो रजिस्ट्रार की वेबसाइट है यही है। इसके अलावा आप कहीं पर भी कॉल करते हैं तो सीधे जो है आपको बोलेंगे कि कार ट्रेड IPO जब लिस्ट हो जाएगी तब जाके आपका पैसा रिफंड होगा। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि जिस दिन अलाटमेंट डेट होती है उसके 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाता है। यदि नहीं रिफंड होता है तो आप जो है इसके वेबसाइट पर जाकर जो है चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और जेके एरोटेक पर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जेके एरोटेक की तरफ से जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद।